Defending champions, the Indian men's hockey team began their title defense at the fifth Men's Hero Asian Champions Trophy 2018 with a convincing 11-0 victory in their first round-robin match. India's forwards were in prime form in their opening match as striker Dilpreet Singh struck a hat-trick of goals, scoring in the 41st, 55th and 57th minutes, while Lalit Upadhyay, 17, Harmanpreet Singh, 22, Nilakanta Sharma, 23, Mandeep Singh, 30, Gurjant Singh, 37, Akashdeep Singh, 48, Varun Kumar, 49, and Chinglensana Singh Kangujam, 53, were all on target, which ensured a stupendous start for the world number 5 team. देखा जाए तो बहुत अच्छे से पास मिले थे मेरे को उधर, और यहाँ से मेरे को गोल करने का चांस मिला. और इस सभी की स्पोर्ट से निकलते सभी मैन ऑफ द मैच, ये नहीं कोई इंडिविजुअल प्लेयर ज़्यादा नहीं खेलता है, और मेरे को बहुत खुशी है मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ मैन ऑफ द मैच और सीनियर टीम में, और आगे से भी ऐसे परफॉर्म करेंगे टीम में. प्लान यही था कि जो हमारे उधर एशियंस गेम में हमारी मिस्टेक हुई थी उसको हम लर्न करके इधर पूरा इंप्लीमेंट करेंगे ग्राउंड के ऊपर, जैसे कि कोच साहब ने जो टैक्टिक्स बताया उस पर खेल रहे हैं, और सभी बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, और हार्डवर्क के हिसाब से सभी को विन मिलेगा, और मेरे हिसाब से हम यहाँ से टूर्नामेंट जीत के जाएंगे. हमारा ये परफॉर्म रहता है कि जैसे कि ये नहीं कोई भी इजी टीम है उसके साथ इजी खेलेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे. हमारा स्ट्रक्चर सेम ही रहता है एक टीम के साथ, और हम जैसे खेलते रहेंगे, और जैसे भी आज हमें जो टीम मिली हमारे को फर्स्ट क्वार्टर में पहले उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और गोल करेंगे और अच्छा रिजल्ट ले आएंगे नेक्स्ट मैच में.